नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु नवानी और क्रिकेट एडिटर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इंडियन प्रीमियर लीग का अगला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जाएगा एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में। हम बात करेंगे इस वीडियो में फैंटेसी 11 की टीम के बारे में। सबसे पहले दोनों टीम्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें, पहले आती है चेन्नई सुपर किंग्स। पहले खिलाड़ी है ऋतुराज गायकवाड, उसके बाद डेवॉन कॉनवे, अंबत्ती रायडू, बेन स्टोक्स, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, कप्तान एमएस धोनी, राजवर्धन हंगरगेकर, मिचेल सैंटनर, दीपक चहर। लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें, सबसे पहले आते हैं कप्तान केएल राहुल, फिर उसके बाद मार्कस स्टोइनिस, दीपक हुडा, निकोलस पूरन, कुणाल पांड्या, आयुष बदोनी, कायल मेयर्स, जयदेव उनादकट, रवि बिश्नोई, मार्क वुड, आवेश खान। अब बात करते हैं फैंटेसी 11 की टीम के बारे में। विकेट कीपर की चॉइस के लिए आप सबसे पहले चुन सकते हैं निकोलस पूरन को, जिन्होंने अपने पिछले मैच में 36 रन बनाए थे और उनकी स्ट्राइक रेट 171 की रही थी, जो कि टी20 के हिसाब से काफी अच्छी स्ट्राइक रेट है। उसके बाद आप केएल राहुल को भी चुन सकते हैं, जिनका फॉर्म पिछले मैच में ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन वो एक बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन है और काफी अच्छे फॉर्म में, क्योंकि उन्होंने हाल ही में ओडीआई में एक अच्छी इनिंग्स खेली थी। अब अगर बैटर्स की बात करें तो सबसे पहले आप चुन सकते हैं ऋतुराज गायकवाड़ को, जिन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के पहले मैच में 92 रन की एक शानदार इनिंग्स खेली थी, जिसकी वजह से चेन्नई एक बहुत अच्छे स्कोर तक पहुंच गई थी। उसके बाद आप चुन सकते हैं आयुष बदोनी को, जिन्होंने पिछले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स को एक बहुत अच्छी फिनिश दी थी और 18 रन बनाए थे। उनका पिछला सीजन भी काफी अच्छा रहा था। फिर दीपक हुडा भी काफी अच्छी चॉइस है सकते हैं, क्योंकि वो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए काफी जल्दी बल्लेबाजी करने आते हैं। अब ऑलराउंडर्स की बात करें तो सबसे पहले आप चुन सकते हैं सबसे बेस्ट ऑलराउंडर को, यानी रविंद्र जडेजा को, जिन्होंने पिछले मैच में एक विकेट ली थी। उसके बाद आप मोइन अली को भी चुन सकते हो, क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में 23 रन जड़े थे और बहुत अच्छी गेंदबाजी भी कराई थी, और हमने देखा है कि मोइन अली एक बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर है। उसके बाद कुणाल पांड्या भी काफी अच्छी चॉइस है सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पिछले मैच में 15 रन बनाए थे और वो नॉट आउट गए थे। फिर आप कायल मेयर्स को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में 73 रनों की एक शानदार पारी खेली थी और ओपनिंग गई थी केएल राहुल के साथ, जहां उनकी स्ट्राइक रेट 192 की रही थी। अब बात आती है गेंदबाजों की, तो सबसे पहले आप चुन सकते हैं मार्क वुड को, जिन्होंने अपने पिछले मैच में 14 रन देकर 5 विकेट ली थी और कमाल की गेंदबाजी कराई थी। फिर राजवर्धन हंगरगेकर भी बहुत अच्छी चॉइस सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पिछले मैच में 3 विकेट चटकाई थी। अब बात आती है कैप्टन की और वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन के लिए आप मार्क वुड को चुन सकते हैं और वाइस कैप्टन के लिए कायल मेयर्स को। तो ये थी हमारी फैंटेसी 11 की टीम। हम ऐसे ही आपके लिए क्रिकेट से जुड़ी वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो पर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।